दोस्तों, यह जो मशीन है, इकलौती ऐसी मशीन है जो पूरे मार्केट में कब्जा करने वाली है। जो इसका कंपटीशन है, एक ही मशीन से आप 40 से 50 तरह के आप वैरायटी निकाल सकते हैं और आपको बिल्कुल पहली बार देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस मशीनरी से, इस इकलौती मशीनरी से आप 40 से 50 तरह के बिजनेस कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक एज ए सैंपल आपको दिखाना चाहता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो अट्रैक्शन का कारण बने। तो इसमें जो प्रोडक्ट रेडी होगा उसमें खिलौना भी होगा, टॉयज भी होगा, प्लस टॉयज के साथ साथ वो इसमें पी के इसको मजे ले सकते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ होने वाली है मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा आपको कंप्लीट देखना होगा। तो इस तरह के आप डब्बा रेडी कर सकते हैं। इस डब्बे के अंदर जो आइटम रेडी होगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मोटू पतलू बहुत चल रहा है, बड़े चाव से उसको देखा भी जाता है, प्लस टॉयज के साथ साथ आपको ये मिलने वाला है। ये प्रोडक्ट आप इस मशीनरी से आप रेडी कर सकते हैं। ये तो दोस्तों एक प्रोडक्ट है, इसी मशीनरी से आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिए, तभी आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। और दोस्तों, अभी तक जो ये बिजनेस था, जो ये मशीनरी थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलों के हाथ में था, लेकिन अब ये एक जो छोटे लेवल से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटी बजट में, छोटे से बजट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट की मोनोपोली होने वाली है यह आप अपने एरिया में कर सकते हैं। मतलब कि इसका कंपटीशन तो रहने वाला ही नहीं है, और मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट है आपने कहीं पहले देखा ही नहीं होगा। तो आपका यह मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं और बड़े लेवल पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर भी काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह है मिस्टर रावत जी, नीलकंठ इंडस्ट्रीज से। ये हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, पहले भी हमने इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। हमारी जितनी भी वीडियो बनती है ना, वो सब आप ही के चैनल पे बनती है सर। जी जी। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने क्या सोच के इस मशीन को बनाया? सर, इस मशीन को बनाने का मेन कारण ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो अभी तक, आज तक ना, बहुत बड़े बड़े घरानों में या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनियां ही करती थी। अच्छा। ये मेरा एक हमारी पार्टी है भूटान की, उन्होंने मेरे को पिक्स भेजे थे इसके कि रावत साहब, इसकी जो है कोई मशीन देखो यार, ये बहुत महंगी मशीनें मिलती हैं, चाइना से भी आती है जो कि 14-15 लाख की होती है। इंडिया में भी सिर्फ 2-3 मैन्युफैक्चरर जो 7.5-8 लाख की मशीन देते हैं, और उनकी मशीनों में प्रॉब्लम भी रहती है यार, आप वो जरा देखो। तो फिर मैंने उसके हिसाब से पूरी मार्केट स्टडी करी कि कैसे, कहाँ से, क्या होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, सारा उसका एनालिसिस करने के बाद फिर जब मैंने मशीन बनानी शुरू करी, तो मैंने सोचा कि वो जब 6.5 से 7 लाख में एक ही प्रोसेस करते हैं, तो क्यों ना मैं बहुत ही कम वैल्यू के अंदर उनको तीन प्रोडक्शन निकलें, और तीन प्रोडक्शन से आप 40 से 50 किस्म की आइटमें आप बना सकते हैं। जी जी। तो इसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है या कोई भी कर सकता है इस बिज़नेस को? नहीं सर, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है सर, इसमें कोई भी आदमी, उसमें बस काम करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन होनी चाहिए, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकता सर। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस में से बात करता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा सस्पेंस में आपको नहीं रखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइव डेमो देखते हैं कि किस तरीके से मशीन प्रोडक्ट रेडी करती है। कोई एक प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहीं कर सकता है, इसमें दो नहीं कर सकते, तीन नहीं कर सकते, जो आपके माइंड में आता है, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं, किस तरीके से आपके पास ये मशीन पहुंचने वाली है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर ये देखिए, ये हमारी मशीन का जो है, इस मशीन पे हमारा ये पहला प्रोडक्ट बन रहा है, इसको कहते हैं जेली टॉयज, ये जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ से रेडी हो गए, ऑटोमेटिक यहाँ पर पानी में गिर रहा है। हाँ, ये पानी में गिर रहा है ताकि इसका जो है जेली फॉर्मुलेशन में ले सके जी ये। ओके, ये क्या कर रहे हैं अभी, मैनुअली वहाँ पे लगाना होगा अभी? ये बस ये जैसे ये लगा रहा है हाथ से, भाई इतना ही लगाना है, बाकी ऑटोमेटिक मशीन अपने आप सारा काम करेगी जी। अच्छा, यहाँ से ऑटोमेटिक लगा, यहाँ पे मैनुअली लगाते रहेंगे, वहाँ से ऑटोमेटिक? हाँ जी हाँ जी, फिल भी होगा, अब फिलिंग भी होगा, सीलिंग भी होगा, अपने आप आती रहेगी ये। ये जेली टॉयज हैं, इसमें 12-14 किस्म के आते हैं, मोटू पतलू बंदूक आम, आम की शेप में आता है, लीची की शेप में आता है, जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट है ये। इसको मोटू बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस कार्टून का ये एक पात्र है जिसको मोटू बोलते हैं सर। मतलब कोई भी पात्र बनवा सकते हैं? हाँ, कोई भी पात्र बनवा सकते हैं सर। ओके, ठीक है, करेक्टर बन जाएगा उस तरह का? करेक्टर बन जाएगा ये, जैसे खाली अरब ये भरने के बाद ये हमारा ये आ गया साहब। अच्छा,
हाँ जी, ये तो जेल का जो फॉर्मूला है, हाँ जी, ये आप बताएंगे। हाँ, ये खाने वाली जेल स्वीट जेल होती है। ओके। जो कि बहुत ही टेस्टी होती है जी। तो ये सर, ये जो आइटम है, ये हर सीजन में चलता है या ये 12 महीने चलता है सर, और सर्दियों में तो खास करके सबसे ज्यादा चलता है। हाँ जी सर, ये देखिए, अब हम आपको अपनी उसी जिसमें जेली ट्वाइज बनाया था उसी में हम अब आपको बॉटल फिलिंग दिखाते हैं। इसी के अंदर हमने स्पेशल अरेंजमेंट दिए कि आप 100 ml से लेकर 1 liter तक बॉटल भर सकते हैं। और ये जो मैं मशीन आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडिया में ही नहीं, मेरे को जहाँ तक मेरा अपना आइडिया कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम की मशीन है जिसमें कि सारे काम एक ही मशीन कर सकती है। सर, बोतल में क्या भर सकते हैं, क्या आइटम भर सकते हैं? अब इस बोतल में आप ऑयल फिलिंग भी कर सकते हैं, जूस फिलिंग भी कर सकते हैं, मिल्क फिलिंग भी कर सकते हैं, जो भी कोई लिक्विड आइटम आप फिलिंग करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं। वाटर फिलिंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल, वाटर फिलिंग तो कर ही सकते हैं आप। कितनी तरह की बोतल लग जाएगी सर इसमें? इसमें 100 ml से लेके 1 liter तक की बोतल आप आराम से फिलिंग कर सकते हैं मेरी एक ही मशीन पे। उस तरीके से खाली एक मेन पावर को लगना होगा? हाँ जी, हाँ जी, घूमती जाएगी अब्बा। ये खाली बोतल लगाते रहो, भरी निकालते रहो, और ये कैपिंग अटैचमेंट दे रखा है, इसमें आपने कैप कर दिया। कोई भी लिक्विड आइटम, कोई भी लिक्विड आइटम हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी, एवरीथिंग। जूस भी फिल कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल, जूस 100 ml से लेके 1 liter तक आप जूस बिल्कुल फिल कर सकते हैं सर। जूस जैसे? जैसे मैंगो, लीची, ऑरेंज, गावा, पाइनएप्पल, मिक्स फ्रूट, अंगूर, खरबूजा, तरबूज, जीरा मसाला, कोला, लेमन, आप हर किस्म का भर सकते हैं इससे। इसकी ट्रेनिंग कौन देगा? ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? जैसे ये सब कुछ, ये सब कुछ सर हम बताएंगे, और हम इस फील्ड में हम बहुत पुराने आदमी हैं इसी फील्ड में, तो सब चीज़ हम बताएंगे। और मैं सबसे बड़ी बात क्या है सर, कि बोतल वाली मशीनें आपने बहुत देखी होंगी मार्केट में, लेकिन उस बोतल के अंदर अगर जूस फिल करना है, और प्रॉपर जूस फिल कैसे करना है कि उसकी क्वालिटी 3 से 6 महीने तक स्टैंड कर जाए, ये हर एक को उसका रेसिपी नहीं पता। भर के दिखाने में तो हर कोई दिखा देगा, लेकिन वही है कि प्रोडक्ट इस बोतल में पैक होने के बाद 3 से 6 महीने तक सेम टेस्ट रहना चाहिए, ये कोई नहीं बताता साहब। ये हम आपको पूरा का पूरा समझाएंगे किस तरीके से हमने इसको बनाना है, पूरा रॉ मटेरियल बोतल वगैरह सब कुछ बताएंगे साहब। ओके। और इसमें अपना खुद का कोई ब्रांड बनवाना चाहे तो वो भी? हाँ, बॉटल में सबसे बड़ा इजी यही है कि आप अपना ब्रांड बनवा सकते हैं बॉटल के अंदर। हाँ सर, ये देखिए, अब हम आपको इसी मशीन पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि पहले तो जेली ट्वाइज बनता था, फिर इसी पे आप बोतल फिलिंग कर सकते हैं। अब इसी में आप जैसे जेली के पाउच हैं, ये दिखाइए, ये पाउच में भी जेली भरी जा सकती है इसी मशीन से। जेली ट्वाइज तो ऊपर के प्लेटफॉर्म से भरी जाएगी, और जेली की जो पाउच फिलिंग करनी है वो हम यहीं से कर सकते हैं, ये आपको दिखाते हैं। करिए, कितने तरह के लिक्विड फिल कर सकते हैं, कितने तरह के आइटम कर सकते हैं इसमें? इसमें आप जो है ना पाउच के जितने भी काम है सारे कर सकते हैं, पाउच जो जूस फिलिंग है, पाउच में जेली फिलिंग है, सब इसी मशीन से कर सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर के जैसे? हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग फ्लेवर के आप कर सकते हैं जी। मैंगो हो गया? मैंगो, लीची, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये सब कर सकते हैं जी। सीलिंग भी इसी में? अरे वाह, बिल्कुल, सीलिंग भी इसी में सर, सारे काम मल्टीटास्किंग मशीन है सर। हाँ जी, हाँ जी, इसी के अंदर अब जैसे हमने 50 ml की आपको जाली दिखा रहे हैं, अभी 100 ml के देखिए जो हमने पाउच भरे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। अरे वाह, ये कितना, ये देखिए, आप खुद दबा के देखिए कितना टाइट पाउच है। लोग कहते हैं जी टाइट नहीं होता, ये देखो कितना टाइट पाउच बनाया, और ये भी आपको सामने बना के भी दिखाते हैं आपको, अपने ब्रांड का बनवा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। अब ये जो पाउच है, ये देखिए, अब हम आपको ब्लूबेरी का पाउच भर के दिखाते हैं सर, ये आप अपने ब्रांड से भी बनवा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी होनी चाहिए। और ये वो 5 rupees की आइटम है जो कि इस समय पूरे भारत क्या बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। ये अब हम आपको फिलिंग करके दिखाते हैं। फिलिंग भी है प्लस सीलिंग भी है? बिल्कुल, ये देखिए, ये कोई बाजार वाला सीलर नहीं है साहब, की ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, आप ये देखिए ना, दबाने पे भी नहीं दब रहा, इतनी टाइट फीलिंग करता, आप खुद फील कीजिए। अच्छा, ये दबाने से अगर किसी बाहर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं गाड़ी वाड़ी में तो मतलब इसके लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं? हाँ जी, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं साहब। जी जी जी, इसको फिर जब यूज़ किया जाएगा तो क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ से ये निशान दिया हुआ, यहाँ से कटेगा। और ये देखिए साहब, अरे वाह, ये देखिए कितना उछाल मार रहा है, अभी भी इसमें कंपन है साहब, ये है इसकी टाइटनेस।
ये देखिए साहब, अच्छा इसी में एक हमारी आती है 325 ml की वाटर की बॉटल, जो कि स्टैंडिंग पाउच है, वो भी इसी से भर सकते हैं आप। ये जितने मर्जी ml की बनवा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पर आके कैसे रुक जाता है, उसमें पहले से सेट हुई है क्वांटिटी? हाँ क्वांटिटी सेट है साहब, ये हमने यहाँ PLC दे रखी है। अच्छा। हाँ इसमें हम 100 ml से लेकर 325 से 500 ml तक भी भर सकते हैं अब। हालांकि अभी मार्केट में 325 ml का वाटर पाउच है मैक्सिमम क्वांटिटी का। हाँ जी सर, अब ये देखिए हमारी इसी मशीन पे, इसको स्पाउट पाउच कहते हैं या कुछ लोग इसको पेपर बोट टाइप भी बोलते हैं। ये 200 ml का होता है और 10 रुपये बिक्री का बाजार में बिकता है। ये इस समय पाइनएप्पल जूस का ये पाउच है, ये अब हम आपको फिलिंग करके दिखाते हैं अपनी इसी मशीन पे। ये लीजिए साहब, देखिए क्या शानदार बना है। ये देखिए सर, डबल सीलिंग है ये, सीलिंग दिखती भी नहीं है। पेपर बोर्ड के नाम से दिखता है इसमें? हाँ नहीं, पेपर बोर्ड टाइप बोलते हैं जी इसको, बेसिकली इसका नाम है स्पाउट पाउच। ये आप कहीं भी दुकान पे ऐसे देखिए, ऐसे रखा जाता है ये। ये देखिए सर कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसकी मार्केट है इन प्रोडक्ट की? सर इसी की ही आज मार्केट है जी। और ये मशीन हमने ऐसी लॉन्च करी है कि जो मशीन ये लगा लगा, ये समझ लो एक किस्म से पूरे बाजार पे कब्जा हो गया। बाजार के अंदर जूस देखिए साहब बॉटल में चलता है या जूस चलता है पाउच में, ये मशीन पूरा करती है। फिर बाजार में एक चलती है टॉय जैली, जिसमें कि कुछ लिमिटेड कंपनियों का ही एकाधिकार है। ये लोकल तक यूँ नहीं पहुंचा कि उनको पता नहीं ये बनेगा कैसे, सीलिंग कैसे होगा, फिलिंग कैसे होगा, जाली कैसे बनती है, ये सारी चीज़ हम लोग उनको बताएंगे और बहुत ही रिजनेबल रेट में। जो जो कि हमारी जाली टॉयज है, ये हमारे को घर में 2 रुपये का कॉस्ट करता है, मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी 2 रुपये है। अब आगे उसने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचना है, खुद बेचना है, मतलब कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम दुकानदार को 4 रुपये तक जाती है साहब। जार के अंदर लगने के बाद ये 4 रुपये में जाएगी, दुकानदार को 1 रुपया मिलेगा। अब उसमें आप खुद दुकानों पे दे सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट करोगे तो उनका पर डब्बे के ऊपर, जैसे पर डब्बे में 50 पीस है तो उनके ऊपर उनका 10-20 या 15 रुपये का मार्जिन होता है, इतना ही मार्जिन होता है, लेकिन मेन मार्जिन मैन्युफैक्चरर को मिलता है। ट्रेनिंग देते हैं आप? हाँ बिल्कुल, सारी ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जैली कैसे बनती है, जो आज तक बड़ी बड़ी कंपनियों ने सीक्रेट रखा हुआ, वो हम ओपन करेंगे कि कैसे और बड़े ईजी वे में बनता है। और सारा सामान यहाँ इंडिया में ही मिलता है, पूरा रेसिपी आप कंप्लीट उनका ट्रेनिंग का कोर्स देते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा ट्रेनिंग देंगे मशीन के साथ, रेसिपी कैसे बनती है वैसा सब कुछ बताया जाएगा। जी जी, और क्या बता रहे थे सर आप? और जैसे जैसे सेकंड ऑप्शन में हम इसमें बॉटल फिलिंग करते हैं, तो जैसे हमारी 200 ml की बॉटल है, ये हमारे को एट पार घर में 4 से 4.25 रुपये की पड़ती है और 10 रुपये की बिकती है। अब इसमें आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि दुकानदार को 8 रुपये का, होलसेलर को 7.5, 7, 7.5, जहाँ भी आपका पटे वहाँ उसको पटा करके देना चाहिए, तो उसमें अब आप खुद मार्जिन जोड़ लीजिए कितना। फिर तीसरा रह गया हमारा ये पाउच, जैसे जाली का पाउच है जी, इसमें 50 ml की जाली आती है सर, ये भी 5 रुपये की बिकती है। तो इसमें भी ले दे करके एक रुपये करीब इसमें भी मिलता है। और जो हमारी टॉयज वाली जाली है उसमें भी 1-1.5 रुपये मिलता है। अब उसके बाद हम इसमें बनाते हैं ये पेपर बोट, नहीं ये अपना 100 ml का, ये 100 ml का पाउच है। इसके अंदर आपको ना करते भी 1 रुपया तो मिलना ही मिलना है। हालांकि महंगाई की वजह से पाउच के भी रेट बढ़े हुए हैं, फ्लेवर के भी रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1 रुपया छूटता है इसके अंदर जी। अगर फुल एफर्ट से काम किया जाए तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, 1 घंटे में कितने पीसेस रेडी किए जा सकते हैं? ये जैसे मैं सबसे पहले इसका फंक्शन बताऊं, जो जाली टॉयज है ये 1 घंटे में आपके 650 से 700 पीस ऑटोमेटिक निकालेंगे जी। और उसी के बाद फिर अगर आपने बॉटल निकालनी है तो ये बॉटल भी आपकी 650 से 700 पीस पर आवर निकालेगी। अब हम पाउच में अगर आ जाते हैं, अगर 100 ml का हमने पाउच निकालना है तो 100 ml का पाउच आपका 1 घंटे के अंदर ये 200 से 250 पीस निकालेगी। अब उसके बाद एक ये है जी, जिसको हम पेपर बोट टाइप बोलते हैं, ये 200 ml की फिलिंग होती है सर, और ये 10 रुपये का बिकता है। इसका 3.5 से 3.65 रुपये का इसका रैपर आता है और ये हमें तैयार 5 से 5.25 रुपये में तैयार होता है, लेकिन इसकी डिमांड बाजार में सबसे ज़्यादा है। अच्छा,
तो ये जितना भी पूरा रॉ मटेरियल है आपका, पेपर से लेके आपका लिक्विड से लेके आपकी ट्रेनिंग है, पूरा सब कुछ आप कंप्लीट प्रोवाइड करवाते हैं, सब कुछ एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगा। और हमारी फैक्ट्री दिल्ली में है, वेस्ट पटेल नगर में, श्री नीलकंठ इंडस्ट्री के नाम से। और ये हम पिछले काफ़ी सालों से इसी जूस के बिजनेस के अंदर है सर। आफ्टर सेल सर्विस, पहली बात तो ये है कि हम मशीन ऐसी बनाते हैं कि सर्विस की जरूरत ही ना पड़े, और अगर बाई चांस कभी अनफॉर्चुनेटली जरूरत पड़ती है तो हमारा टेक्नीशियन बकायदा जाएगा। जैसे हमारी एक साल की इस मशीन की वारंटी है, तो एक साल में उसके जाने आने का खर्चा आपने बेयर करना। अगर वहाँ कोई पुर्जे की जरूरत होगी या जितना भी उसका टाइम कंज्यूम होगा, उसकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ आना जाना और वहाँ रहना आपने प्रोवाइड करवाना है। तो सर फाइनली बता दीजिए इस मशीन की कॉस्टिंग कितनी रहने वाली है? सर जी, इस मशीन के ये तीन मॉडल हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को तो खाली जाली ट्वाइज बनाना है, तो ये मशीन है 1,60,000 की। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को जैली ट्वाइज का बॉटल फिलिंग भी करनी है, तो मशीन है 1,80,000 की। अगर कोई कहता है नहीं मेरे को तीनों ही ऑपरेशन वाली मशीन चाहिए, तो उसकी कीमत है 2,00,000 रुपये। इसके अंदर हम लोगों का पैकिंग इंक्लूड है, GST भी इसी रेट्स के अंदर है, लेकिन जो भाड़ा है ट्रांसपोर्ट का दिल्ली से लेकर जो आपके यहाँ तक का भाड़ा, वो आपको ही पे करना पड़ेगा। सर जी, हमारा एड्रेस है श्री नीलकंठ इंडस्ट्रीज, 20/34 वेस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली 8। मेरा नाम है सुरिंदर सिंह रावत। आप कहीं से भी आ सकते हैं, हमारी लोकेशन एकदम दिल्ली के सेंटर में है। अगर आप रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो हार्डली 4-5 किलोमीटर पे, अगर आप एयरपोर्ट से उतरते हैं तो 17-18 किलोमीटर पे हैं, अगर आप बस स्टैंड पे उतरते हैं तो वहाँ से हमारा 8-10 किलोमीटर दूर पे फैक्ट्री, एकदम सेंटर पे है हमारी फैक्ट्री सर। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी ने दूसरे बिजनेस की तलाश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।